तो आपने पाव भाजी खाई है ना, आपने खाओगली भी देखी होगी, खाने पीने का मार्केट भी देखा होगा, जहाँ पे एक साथ में बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज होती है नाश्ते की दुकान की, स्ट्रीट फूड्स की। बट आपको हम लोग दिखाने वाले हैं, देखते रहो। यहाँ पे एक साथ में छः पाव भाजी की दुकानें हैं, जो आपको दिखाएंगे हम लोग स्टार्टिंग से। ये पूरी लाइन में पाव भाजी मिलती है, और दिखाते हैं आपको स्टार्टिंग से। आ लो, और ये है मुलुंड सेवाराम लालवानी रोड, जहाँ पे एक साथ में 6-7 पाव भाजी की दुकानें हैं। ये पहली दुकान, आपकी दुकान का नाम क्या है? पाव भाजी सेंटर। पाव भाजी सेंटर। ये दूसरी दुकान, ये दुकान का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? पूरा मुन्ना पाव भाजी वाला। अच्छा, पूरा मुन्ना पाव भाजी वाले। तीसरी दुकान आएगी अभी आपकी, जीतू पाव भाजी। ये है जीतू पाव भाजी। जैसा कि यहाँ पे सेम बिजनेस करने वाले 6 स्टॉल है, आपस में कभी ऐसा नहीं होता कुछ की खिटपिट खिटपिट होती है? नहीं, उसका टेंशन नहीं रहता, सबका धंधा होता है आगे पीछे होता है। अच्छा। इसका माल खत्म हुआ पहले बंद करता है, आते हैं, मतलब माल सबका खत्म होता है। इतना बड़ा मार्केट है और इसके लिए 6 स्टॉल है, फिर भी सबके सब चल रहे हैं। ऐसा नहीं है खाली एक चलता दूसरा नहीं चलता, सबके सब चल रहे हैं। बॉम्बे में पूरा फेमस है स्टॉल है। हां, ओनली लाइन था, ओनली पाव भाजी। आउट साइड में सब रहता मिक्स, ओनली द पाव भाजी का रहता है। और अगर स्टॉल लगा तो क्या करेंगे आप लोग यहां पे? और स्टॉल लगा तो धंधा बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। क्या बात बोली है यार, एकदम सही, दिल बड़ा सर का। अब एक चौथी दुकान हमारे चाचा के पूछते लाल जी पाव भाजी। सबने अपना अपना नाम का प्लेट लगा के रखा हुआ है यहाँ पे। आपकी पहली पीढ़ी यहाँ पे? हाँ, मैं ही लगाता हूँ, मैं बहुत साल हो गया मेरे को। अच्छा, सेकंड जनरेशन है? सब सेकंड जनरेशन। हाँ सर, एक ही गाँव के क्या? हाँ, ये एक ही गाँव का नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एक ही है। डिस्ट्रिक्ट एक ही है, तो यहाँ पे सबका सेम धंधा कैसा आ गया? सेम मालूम रहेगा इसके बारे में। वो पहले हम बहुत जूने, मतलब बढ़ते गए, अभी ना सबसे बाद में आया है। अच्छा। वो पानी पूरी का धंधा था पहला। अच्छा। तो पाव भाजी का गर्दी देके ने पाव भाजी लगाया। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, कसम भगवान की, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। तो सबसे पीछे आला है, बाकी ये 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 है ना, ये इसका ना, ये मैं था ये नाके पे। अच्छा। ये नाके पे इसका ललन और मैं। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम लाल जी। लाल जी, लाल जी पाव भाजी, लाल जी पाव भाजी तमाम बुलाओ। सब यहाँ पर सेकंड जनरेशन आ चुकी है, बट ये दुकान है लाला जी की, जहाँ पे खाली फर्स्ट जनरेशन है। ये है फिफ्थ दुकान। ये आपके दुकान का नाम क्या सर? ललन पाव भाजी सेंटर। छवीं दुकान, ये शायद आखिरी दुकान है पाव भाजी की यहाँ पे। ये दुकान का नाम है नट्टू, नट्टू पाव भाजी सेंटर, पहला स्टॉल। आई एम दिव्या। What do you think about this? यहाँ पे साथ में एक साथ में 6 पाव भाजी का स्टॉल है। This is a place that we always come to. So I'm really accustomed to this taste of pav bhaji, and I really appreciate uncle's effort. And I've been eating this since what 10 years now. So yes. Same place. Yes. Extra क्या अच्छा लगता है आपको इसमें? मतलब इसमें ऐसे क्या कि आपको यहाँ पे आना है? Firstly, this is a first store. Okay. So when we shop, so this is the place that we see first. Yeah, yeah. And they put this extra chaat masala on the salad. Yes, salad that comes on the side. So that is something I appreciate about them. Okay, thank you. भैया जी, इनको डिस्काउंट दिया करो यार, 10 साल से आपका सारे अभी। सेकंड जनरेशन चालू है यहाँ पे, सेकंड जनरेशन हाँ सबका। खाली एक ही आदमी बुड्ढा है ना, वही खड़ा है, बाकी सब सेकंड जनरेशन। वो कम से कम 50 के आसपास है। इन्होंने इसके अंदर नींबू डाला है, पोटैटोस डाले हैं, राइस डाले हैं, और क्या क्या डाला है? बीन्स डाले हैं। और नींबू डाला जा रहा है इसको। तो ये पुलाव यहाँ पे रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं एकदम टकाटक लग रहा है। पहली दुकान पे खड़े नट्टू पाव भाजी, वहाँ से आखिरी दुकान, यहाँ से पहली दुकान। तो आइए बात करते हैं अभी सेकंड यहाँ पे ललन पाव भाजी वाले से। तो आपकी पाव भाजी का प्राइस कितना है? 80 रुपीज। यहाँ पे प्राइस 80 रुपीज ही है। आपने देखा होगा 5-6 दुकानें हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ललन भाई के पास आए खाने के लिए। वैसे आप लोग कहीं भी जाओ पाव भाजी खाने, तो आपको पाव भाजी के साथ में हमेशा 2 पाव देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये लोगों के मेरे को 4 पाव दिए हैं।
सो मैं अपनी पहली वाइट टेस्ट करने जा रहा हूँ, ललन भाई की स्पेशल पाव भाजी। मुझे लड्डू भाई से भी खाया, हम लोग ललन भाई से भी खा रहे हैं, ऑलमोस्ट टेस्ट सबका सेम है, कोई फर्क नहीं है, अच्छा टेस्ट है, अच्छा बना के खिला रहे हैं, अच्छा बना के खिला रहे हैं, इसलिए 5-5 दुकानें एक साथ में है। Have a close-up look of this pav. मसाला मार के पाव दिए। जहाँ जहाँ तक आपकी नजरें घूमेगी आपको यहाँ पे खाली पाव भाजी पुलाव यही दिखेगा। फर्स्ट बाइट, फर्स्ट क्लास एकदम, मुंबई पाव भाजी, कर्नाटक पाव भाजी, लंदन भाई की। मेरी पाव भाजी देखो, सन 1970 के आज तक काफ़ी बहुत जूने हम लोग। हाँ, हम लोग तीसरा पीढ़ी है। हाँ, पहले मेरे दादा, फिर फादर, फिर हमें। तो वो स्टॉल वाले बोल रहे थे कि यहाँ का सबका दूसरा पीढ़ी है, उनके रहेंगे हमारे तीसरे, है ना। उनके कोई भी बोर्ड पर ऐसा सन नहीं डाल के रखे हैं क्या?